मोदी रसोई का 23वां दिन है जो लगातार गरीब, रिक्शा वालों, फेरी वालों, बड़े बुजुर्गों, कामगार, लेबर, दिहाड़ी मजदूरों, परदेशियों, बेघर कोरोना योद्धाओं, हजारों लोगों को लगातार मोदी रसोई के माध्यम से बदरपुर मंडल अध्यक्ष मुकेश प्रधान एवं उनके मित्रों द्वारा लगातार किया जा रहा है। यह कार्य बदरपुर के विधायक श्री रामवीर सिंह भिधूड़ी जी के नेतृत्व में 23 दिन से चल रहा है और साथ ही साथ उनके सुपुत्र श्री सुरेंद्र सिंह भिधूड़ी जी भी काफी इस कार्य में शामिल हो रहे हैं। बहुत अच्छा और नेक कार्य बदरपुर के मंडल अध्यक्ष मुकेश प्रधान जी के द्वारा पिछले 23 दिन से चल रहा है और जब तक लॉकडाउन चलेगा तब तक यह कार्य इनके द्वारा चलता रहेगा। आज 23वें दिन जिसमें आलू और गाजर, मटर, गोभी, बंद गोभी, ऐसी चीजों का बिल्कुल पौष्टिक आहार जो हम डॉक्टर से शाम को कंसल्ट करते हैं और उनके कंसल्ट करने के अनुसार फिर हम तय करते हैं, तब हम सामान और सब्जी वब्जी खरीदते हैं। और इस तरह से हम आज यहाँ मथुरा रोड पे, यहाँ पे जो लोग स्व स्वभाव से लोग लगभग आ जाते हैं और वो सभी रिक्शा वाले गरीब बेचारे हैं, तो ऐसे लोगों के लिए हम खाने की सेवा रोज दिन पर दिन यहाँ देते आ रहे हैं। मोदी रसोई द्वारा ये सेवा जारी है। हमारे शाहरुख खान भाई ने, दो लोगों ने इस बात का बीड़ा उठाया है कि हम इस पवित्र रमजान के महीने में भी अपनी सेवा को जारी रखेंगे ताकि कोई दिक्कत ना हो और तमाम जो सुरक्षा कर्मचारी हैं, जो पुलिस वाले हैं या जो हॉस्पिटल वाले, जो डॉक्टर्स वगैरह हैं और पत्रकार हैं, इन सब पे कुछ लोग अभद्रता देते हैं, कुछ लोग ऐसी मारपीट की हरकतें भी करते हैं, तो कृपया करके ऐसे कोई भी अनलीगल कार्य न करें जिससे कि प्रशासन आपको पकड़े और आपको सजा हो जाए। आज 23वां दिन है, कोई दिक्कत नहीं। अब जैसे भी इसमें रसोई आज चल रहा है ठीक ठाक, जैसे मैं, मेरा मुकेश भाई है, हम दोनों चला रहे हैं इसको और बाकी हमारे मित्र हैं, तो उनके सहयोग से थोड़ा थोड़ा आगे काम चल रहा है इसमें। और इसके अलावा किसी और किसी का कहीं भाग का कोई पैसा वैसा नहीं लेना है, लेकिन हम ही लोगों का पैसा लगा हुआ इसके अंदर और इस तरह से हम काम कर रहे हैं। और एक कल से मुबारक महीना है रमजान का मुबारक महीना है। मेरे मुस्लिम भाइयों से सबसे अपील है, अच्छी तरह रमजान की बात करें, घर में रहें और घर में ही नमाज अदा करें ताकि ऐसी वैसी कोई अफवाह ना उड़े। और एक और हम नया काम करने जा रहे हैं, जैसे कि हम 23वें दिन से हम लोग खाने का काम कर रहे हैं। तो हमारे भाई रात भर में बैठे, तो भाई कहा गए, भाई ऐसा करो एक रमजान महीना तो शाम के टाइम अफ्तार का काम शुरू किया जाए। तो कल से हम अपने भाइयों को, दीन भाइयों को शाम के टाइम अफ्तार का काम करेंगे, उनकी अफ्तारी कराएंगे। मोदी की रसोई के माध्यम से ये हम आगे तक पहुँचाएंगे सब भाइयों को, सब भाई मिलजुल कर रहे। जैसे प्रधानमंत्री जी की इच्छा है कि एक भारत श्रेष्ठ भारत और सबका साथ सबका विकास, उसी तरह से बिना किसी भेदभाव, बिना किसी दूरी के हम सब कोशिश कर रहे हैं कि हम शाम को रमजान के महीने में रफ्तार के लिए शाम को पकौड़े, अलग अलग टाइप के गोभी के, आलू के, मिर्ची के, इन सबको करके और हम सबको शाम को वो खुलवा के और बिल्कुल वितरित करेंगे।